नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बीबी के मकबरे के इतिहास के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलास बानू बेगम का जन्म ईरान, जो फारस के प्रमुख सफाविद राजवंश में हुआ था। उन्होंने 8 मई 1637 में मुगल राजकुमार औरंगजेब से विवाह किया था। वह उनकी पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। उनके 5 बच्चे थे, जिसमें मोहम्मद आजम शाह और आदि शामिल थे। अपने 5वें बच्चे को जन्म देने के दौरान दिलास बानू बेगम संभवतः एक भयंकर बुखार से पीड़ित हो गई थी और लगभग 1 महीने बाद 8 अक्टूबर 1657 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब और उनका सबसे बड़ा बेटा आजम शाह बिल्कुल ही टूट चुके थे, जिसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे उनकी याद में एक निशानी बनवाएंगे और लगभग 3 वर्ष उपरांत औरंगजेब ने एक निश्चित स्थान को चुना जहां मकबरे का कार्य आरंभ करना था। लेकिन औरंगजेब केवल कब्र ही बनवा पाया था। औरंगजेब के बाद मकबरे के निर्माण का कार्य आजम शाह ने संभाला और मकबरे का निर्माण ठीक उसी शैली में करवाने की कोशिश की जिस शैली में उसकी दादी माँ का मकबरा बनवाया गया था। बाद में इस मकबरे को बीबी के मकबरे टॉम्ब ऑफ द लेडी कहा जाने लगा। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा के तारीख नामे के अनुसार इस ऐतिहासिक मकबरे का निर्माण लगभग 1660 से 1661 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मकबरे के निर्माण में लगभग 1 वर्ष का समय लगा और लगभग 6,687 रुपये की लागत आई थी। इस मकबरे के निर्माण की नींव सबसे पहले औरंगजेब ने रखी थी, जिसके बाद इसको पूरा करने का कार्य औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह ने किया था। इस मकबरे में 4 मीनार हैं और प्रत्येक मीनार की ऊंचाई लगभग 275 मीटर है। इस मकबरे का निर्माण मुगल साम्राज्य के 2 सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों अताउल्लाह और हंसपत राय द्वारा किया गया है। यह मकबरा एक सुंदर से बगीचे के बीचों बीच बनाया गया है, जिसे चारबाग गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना अक्सर ताजमहल से की जाती है, जिसके कारण इसे दखनी ताज भी कहा जाता है। इस मकबरे को बनाने में जिस मार्बल का प्रयोग किया गया था, उसे जयपुर की खान से मंगवाया गया था। इस मकबरे का निर्माण भी मुगल स्थापत्य शैली के अनुसार किया गया है, जिस कारण इस मकबरे में जगह जगह कई प्रकार की नक्काशियां देखने को मिलती है। इस मकबरे के बीचों बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की पहली पत्नी दिलास बानू बेगम की कब्र बनाई गई है, जिसके ऊपर एक बहुत सुंदर गुम्बद का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी सभी वीडियोस को अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकें। मिलते एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।